आप इतना फोर्स कर रहे तो हम खा के ही जाएंगे। दोस्तों ये है आज से हमारा नया ठिकाना, चलो अंदर चलते हैं। okay. कितनी ऊंची बिल्डिंग है यार। दोस्तों यहाँ आते ही बहुत शानदार तरीके से हमारा स्वागत किया गया। वो रहा अपना फ्लैट। अरे उधर मत दिखा। क्यों रे? तेरी फटी हुई चड्डी सूख रही है। अबे यार। सो गाइस चलो अभी मैं आपको घर के अंदर का टूर देता हूँ। okay. ये रहा हमारा घर, ये रही हॉल, और एक मस्त चीज दिखाऊं। दरवाजे में कोई आके खड़ा होगा ना तो यहीं से आप उसे भगा सकते हो, दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हो एक चोरनी बाहर खड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए इस चोरनी को कैसे यहीं से भगाता हूँ मैं। तो आपने हॉल तो देख लिया, अभी काम चल रहा है शिफ्टिंग का, इसीलिए सारी चीजें बिखरे पड़े हैं। ये एक बड़ी सी बालकनी मिली है चिल मारने के लिए। okay. वाओ क्या नजारा है गाइस, देखो यहाँ एक बहुत बड़ा सा जंगल है जिसमें बाघ भालू भेड़िया आते रहते हैं। हाँ बच के रहना, तेरे ही बिरादरी के हैं, तुझे उठा के ले जाएंगे। हाँ मैं भी शेरों की बिरादरी का हूँ। राइट राइट। शेर नहीं बे गधा। देखो कैसे रॉकेट के माफिक पानी निकलता है। ये सब सामान बिखरा पड़ा है, इसको बाद में देख लेंगे। चल रे चल। टॉयलेट का गो भी दिखा दे। ये एक बेडरूम है और ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो बनने वाला है। मेरे सारे आने वाले वीडियो की एडिटिंग रिकॉर्डिंग डबिंग यहीं से करने वाला हूँ मैं। काम करते थक जाऊंगा तो यहीं लेट जाऊंगा, फिर जब टॉयलेट लगेगा तो इस कॉमन टॉयलेट में घुस जाऊंगा। यहाँ पे कपबोर्ड वगैरह डाल के रख दिए हैं। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम, यहाँ हम शाम को आके बैठ के मस्त चिल मारते हैं क्योंकि बहुत तेज हवा आती है इधर से, ठंडा है। रात को चांद इधर से ही डूबते हैं, हम रोज उनको टाटा बाय बाय करते हैं। एक अटैच टॉयलेट भी मिला है, कुछ ऐसा दिखता है। चलो हो गया। तो गाइस यही था हमारा नया घर, अब से सारे वीडियोस यहीं से आएंगे। और एक मस्त बात बताऊं, हमने जैसे ही सोसाइटी में एंट्री मारी यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हमारा ही फॉलोअर निकला। कितना झूठ बोलेगा रे, तूने खुद जबरदस्ती उसके मोबाइल से सब्सक्राइब करवा लिया और अब बोल रहे तेरा फॉलोअर है, चिंदी कहीं का। अरे यार ये किचन का हाल देख रही है, खाना कैसे बनाएंगे बे? अरे टेंशन नहीं लेने का रे, पड़ोसी कब काम आएंगे, चल मेरे साथ। अरे पर हम तो उनको जानते भी नहीं है। अरे अरे तू, लगता है लड़की आज मरवाएगी। पूना वाले के घर में घुसते हैं। अरे कोई खोल ही नहीं रहा है। आ गया। ओ जी नमस्ते, हम आपके नए पड़ोसी हैं। ओके okay. यहाँ राइट में आए हो क्या? अच्छा वो आपने बता दिया मुझे, थैंक यू। अरे यार ये क्या था, ये तो मुंह पे दरवाजा मार गया। मैं हार नहीं मानने वाली। अरे भैया आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए क्या बात करनी है। अरे भैया वहाँ सोफे में बैठ के बात करेंगे। ठीक है आइए। नाइस। आजा भाई बैठ जा बैठ जा। अबे लड़की खाने की खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है, तो बोलिए क्या चाहिए आपको। भैया एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर का किचन बहुत खराब है तो समझ में नहीं आ रहा था कि खाना कैसे खाएं। यहाँ पास में एक होटल है, जाइए ना। अरे ये तो हमसे भी बड़ा चिंदी निकला। हाँ ना रे। अरे आपके किचन से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे दीपाली सुनो, कितनी बार बोला है खाने पीने की चीजें ढक के रखा करो, खुशबू बाहर जाते ही हेरा गहरा कोई भी घुस रहा है घर में। ओ जी ऐसा क्यों कर रहे हो आप, आए हो तो खाना खा के ही जाना आप लोग। व्हाट, आप इतना फोर्स कर रहे तो हम खा के ही जाएंगे। अरे लड़की आज के खाने का बंदोबस्त हो गया। अरे ये हमको पीटने के मूड में है क्या? अरे लड़की मुंह में पानी आ रहा है ये सब देख। अरे उधर क्या देख जरा। अरे ये फिर से आ गया। अरे भैया ये इतना बड़ा टीवी रखे हो चलता नहीं क्या? चलता है जब हमें देखने का मूड होता है। तो अभी खाना खा रहे हैं तो थोड़ा लग जाता तो मजा आ जाता ना। नाइस। वाओ लड़की देख रही है ना। अरे जल्दी जल्दी खत्म कर, दूसरी बार भी लेना है। ओके okay. अरे भैया आमरस पी के मजा आ गया यार। अरे दीपाली ये आमरस छुपाओ। बहुत अच्छा लगा यार, ऐसे पड़ोसी पाके हम धन्य हो गए। भैया जी आज इतना खाना खिला के आपने साबित कर दिया कि आप पुरुष नहीं है। What? अरे महापुरुष हो आप। अबे खाना तो हो गया, अब निकलते हैं ना। हाँ रे निकलेंगे ना, रुक जा थोड़ा टीवी देखते हैं। जाने का रास्ता इधर से। अरे यार ये इंसान हमारी खुशी नहीं देख सकता, चल चल। थैंक यू सो मच भैया, बहुत मजा आया। अरे वो आमरस हमारा है, इधर लाओ। ओ अच्छा, गलती से हाथ में आ गया था भैया। अरे चल रे चल, बहुत बेइज्जती कर रहा है ये बंदा। हाँ यार बहुत खड़ूस लग रहा है। थैंक यू भैया, फिर से आएंगे हम। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है कि जहाँ पे मैं हर दिन आके अपना ऐसे सर ऐसे भगवान के सामने ठोकूंगी। मैं भी ऐसे ऐसे पीटूंगा आपसे। भगवान जी हमको मिलियन फॉलोअर करवा दे और हमारे फॉलोअर्स के अंदर में थोड़ा बुद्धि दे के हमारे वीडियोस को शेयर करें।